बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। उनका कहना है कि गठबंधन करने से बसपा को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। हमारा वोट प्रतिशत भी घट जाता है लेकिन अन्य दलों को फायदा पहुंच जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर दल बीएसपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मायावती के इस ऐलान के बाद सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लगा है। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है लेकिन सपा कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मायावती से काफी उम्मीद थी कि वो अगर इंडिया गठबंधन से जुड़ती हैं तो प्रदेश में विपक्षी गठबंधन मजबूत होगा और कांग्रेस को भी ज्यादा सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिलेंगी, लेकिन ऐसा होता अब दिख नहीं रहा है। कांग्रेस सपा को छोड़कर सिर्फ बसपा के साथ भी गठबंधन करने के लिए तैयार थी लेकिन मायावती ने उसके प्लान बी और सी को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया है। ऐसे में कांग्रेस के पास सिर्फ प्लान ए बचा है जिसमें उसके पास समाजवादी पार्टी नाम का एक ही सहारा है जो उसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।